देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन, मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। बारिश से भीग गई सोयाबीन की तैयार फसल, बर्बादी देख फूट फूट कर रोया किसान। मध्य प्रदेश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, फसलों के नुकसान की होगी अब भरपाई। 7 महीनों में चाय का निर्यात 14% घटा, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण हुआ ये बदलाव। महाराष्ट्र के किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो अभी बाढ़ और अति बारिश के पिछले सितम से उबरे भी नहीं थे कि फिर से बेमौसम बरसात ने किसानों की बची हुई कुछ उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया है। किसानों ने बड़ी मुश्किल से जिन फसलों को बचाया था वो इस बार बर्बाद हो गई हैं। कई जिलों में खेत से निकाली गई फसल भी भीगने से खराब हो गई है। पीड़ित किसानों को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे अपना घर चलाएंगे और कैसे आगे की खेती करेंगे। ऐसे ही एक किसान का वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर वाकई रोना सा आ जाता है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि एक किसान कैसे दिन रात धूप बारिश में अपनी फसल का बच्ची की तरह ध्यान रखता है और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं किस तरह किसान की मेहनत और उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। विदर्भ क्षेत्र में आने वाले अकोला जिले के पाथुर नंदपुर के रहने वाले प्रकाश पुंडे के सामने देखते ही देखते खेत से बाहर निकाली जा चुकी उनकी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। ये देखकर वो रोने लगे, उनका वीडियो वायरल हो गया। दरअसल ये सिर्फ प्रकाश पुंडे की कहानी ही नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में हजारों किसान इस वक्त इस समस्या से जूझ रहे हैं। अक्टूबर की बेमौसम बारिश उनकी बची हुई फसलों को बर्बाद कर गई है। इस साल बारिश और बाढ़ से मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड़, बीड और जालना और हिंगोली में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी ओर नासिक, अहमदनगर, धुले, सोलापुर और जलगांव में भी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक जून से अक्टूबर 2021 के दूसरे सप्ताह तक राज्य में भारी बारिश और बाढ़ ने 55 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुँचाया है। सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन इस ऐलान के बाद आई बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि नए नुकसान को भी पुराने पैमाने से ही मुआवजा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से खेत में खड़ी फसल के नुकसान का सर्वे कराने का निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि खेत में, खलिहान में और तैयार फसलों को नुकसान हुआ है जिसकी वीडियोग्राफी होगी और पंचनामा भी बनेगा, जिसकी एक प्रति किसान के पास, एक पंचायत और एक प्रति बीमा कंपनी को दी जाएगी, जिससे किसानों को हुई क्षति की भरपाई की जा सके। तो लगातार 2 दिनों से हुई बारिश के कारण आलू और सोयाबीन को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर आलू उत्पादक किसानों के मंसूबों पर बारिश ने पानी फेर दिया है। कृषकों द्वारा रोपे गए आलू खेत में जल जमाव हो जाने से खराब हो सकते हैं। जिन किसानों ने सोयाबीन की कटाई कर खेतों में उसे सूखने के लिए छोड़ दिया था, उन खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी क्षति पहुंची है। वहीं आलू रोपे गए खेत में पानी भर जाने से आलू के बीज के सड़ने गलने की भी आशंका बढ़ गई है। हर 16 गाँव के आलू उत्पादक बताते हैं कि आलू लगे खेतों में पानी भरने से कम 40-50% तक आलू बीज का सड़ना तय है। बचे हुए आलू बीज में अगर पौधा आएगा तो उसकी उपज काफी प्रभावित भी हो जाएगी। बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और राजगढ़ सहित मध्य प्रदेश में पोस्ट मानसून सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण जमकर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में भी 13 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारत से चाय के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2021 के पहले 7 महीनों में लगभग 14% की गिरावट दर्ज की गई है।
टी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई 2021 के दौरान कुल निर्यात जो था वो 100 मिलियन किलोग्राम था, जबकि 2020 की इसी अवधि में 117 मिलियन किलोग्राम ही रहा। अन्य प्रमुख कारण शिपिंग कंटेनरों की अनुपलब्धता है, जो कोविड समय के दौरान बहुत ही महंगे हो गए हैं। इस साल के पहले 7 महीने में चाय निर्यात का जो मूल्य है वो बढ़कर 2,735 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछली समान अवधि में ये 2,665 करोड़ रुपए था। हालांकि CIS ब्लॉक 24 मिलियन किलोग्राम चाय का सबसे बड़ा आयातक बना रहा, जो पिछली समान अवधि में 30 मिलियन किलोग्राम से भी कम था। हालांकि प्रतिबंधों के कारण ईरान को शिपमेंट में काफ़ी कमी आई थी, लेकिन फारसी देश ने इस साल के पहले 7 महीने में 12 मिलियन किलोग्राम का आयात किया, जबकि 2020 में ये 21 मिलियन किलोग्राम ही था। चीन को निर्यात भी 2020 के पहले 7 महीने में 5 मिलियन किलोग्राम से 3 मिलियन किलोग्राम कम था। इस अवधि के दौरान यूके द्वारा उठाव भी कम था। वर्तमान अवधि में डेटा 3 मिलियन किलोग्राम है। एकमात्र अपवाद यूएसए और यूएई है, जहां निर्यात ने 2021 की अवधि में वृद्धि दर्ज की है। इंडिया टी एसोसिएशन के महासचिव अरिजीत राहा ने कहा है कि ऐसा इसलिए है कि ईरान, जो कभी भारतीय चाय का बड़ा खरीदार था, अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की वजह से अब उसने भारत से चाय कम खरीदी है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। खबरें और भी हैं, आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। इंसानों की तरह अब जानवरों को भी कृत्रिम पैर लगाए जाएंगे। जी हाँ, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने कर दी है। जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटरनरी विश्वविद्यालय में जानवरों को आर्टिफिशियल पैर लगाने के लिए मंडी विपणन ने 2,17,00,000 रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला ऐसा सेंटर बन रहा है, जहां पर जानवरों के लिए कृत्रिम पैर बनाए जाएंगे। इसे जानवरों के कल्याण के लिए काफी अच्छा कदम माना जा रहा है। वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर शोभा जावरे ने बताया कि इस वक्त 4 गाय के कृत्रिम पैर अभी राकेश अहरिवार से बनवाए जा रहे हैं, जो इंसानों के कृत्रिम पैर बनाते हैं, जिसको तैयार करके जल्द ही उन गायों को लगाया जाएगा जिनके पैर किसी वजह से कट चुके हैं। देश में पहला ऐसा सेंटर जबलपुर में होगा, जहां गाय, बैल और दूसरे जानवरों के लिए कृत्रिम पैर लगाए जाएंगे। ऐसे में उन पशुपालकों को भी काफी राहत मिलेगी जिनके पशु किसी एक्सीडेंट या फिर बीमारी में अपने पैर गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में किसानों ने लेट खरीफ सीजन के प्याज की रोपाई शुरू कर दी है। देश में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन देने वाले नासिक में इन दिनों किसान रोपाई करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने प्याज की नर्सरी की समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल इस साल ये काफी महंगा हो गया है, जिससे प्याज की खेती की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। इस साल धुले, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा, बीड और जलगांव में भारी बारिश और बाढ़ से प्याज की नर्सरी खराब हो गई है, जिससे काफ़ी किसानों को इसे खरीद कर लगाना पड़ रहा है। बारिश की वजह से पहले जहां 1 एकड़ के लिए प्याज की पौध मात्र 15,000 रुपये में आ जाती थी, तो अब ये 30,000 और उससे भी ज़्यादा तक पहुँच गई है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पिछले 16 दिन में धान बेचने से हरियाणा के किसानों के बैंक अकाउंट में 4,157 करोड़ रुपए अब तक आ चुके हैं। ये रकम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को मिली है, जिसमें से खाद्य विभाग द्वारा 2,113, हैफेड द्वारा 1,406 और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए 637 करोड़ रुपए शामिल हैं। तो प्रदेश में यही एजेंसियां हैं जो धान की खरीद कर रही हैं। सरकार ने फसल खरीदे जाने के 72 घंटे के अंदर ही किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया था। खरीद में कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी निगरानी के लिए भी IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि राज्य में 19 अक्टूबर तक कुल 29,37,882 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।